नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये भाई साहब बहुत परेशान हैं और ये इनकी कार है। कौन सा मॉडल है भाई साहब? 2015 i10 स्पोर्ट। i10 स्पोर्ट कार है, नंबर देख रहे होंगे DL8CAE9051। भाई साहब की कार है और ये गदपुरी टोल प्लाजा से अपनी कार को ले जाते हैं और इन्होंने पास भी बनवा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी 110 रुपये कट जाते हैं। अब ये कई दिनों से परेशान है, बार बार इनके पैसे कट रहे हैं। अब ये इसलिए परेशान है, जब पास बनवा लिया तो पैसे क्यों काटे जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास आए हैं। और अगर आपके भी पैसे कट रहे हैं पास बनवाने के बावजूद भी, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है हर कोई हमारे पास ना आने पाए। जब आप अपनी परेशानी बताएंगे तभी समस्या का समाधान होगा। तो पहले इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं और इनकी परेशानी क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजेंद्र लोहिया है। कहाँ रहते हैं आप? मैं पलवल से आता हूँ, फरीदाबाद जॉब करने के लिए डेली आता हूँ और डेली यहाँ पे मैंने पास बनवा रखा है। 25 तारीख को मैंने पास बनवाया था, उसके बाद भी 110 रुपए 25 जुलाई को 110 अपडेट हो गया भाई साहब, पूरी तरह अपडेट हो गया मेरे पास। किया आपने वहाँ पे? रिसीप्ट भी है मेरे पास और 110 रुपए हर बार टोल से काट लिए जाते हैं। बार कट गए? 3 बार मेरे अब तक पैसे कट चुके हैं। अगर हम मना करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने गुंडे बदमाश बैठा रखे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं। वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, वो जाके अंदर बात कीजिए। अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे एक टोल नंबर पकड़ा दिया जाता है, जिसके बारे में बात करते हैं तो वो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता, कोई फोन नहीं उठाता। इन्होंने लोग देख रहे हैं पैसे काटे जा रहे हैं, टोल फ्री नंबर पर बात करते हैं लेकिन काम नहीं होता। तो टाइम इतना है नहीं पब्लिक के पास, ड्यूटी करने वाले आदमी हैं, रोज़ाना पलवल से फरीदाबाद आते हैं और इसलिए इन्होंने पास बनवा लिया कि अब इनके पैसे नहीं कटेंगे, जो 110 रुपया एक साइड का कटता है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे कट रहे हैं। तो आपको लगता है जानबूझकर ऐसा हो रहा है या कोई गलती है, टेक्निकल दिक्कत है? टेक्निकल गलती कोई नहीं है। जब हमने पास बनवाया हुआ है वहाँ पे, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा पास बना हुआ, हमारे पास रसीद है, फिर भी वो लोग नहीं मानते थे, जबरदस्ती मनवानी, गुंडा टैक्स हो गया ये तो। कहीं ऐसा ना हो आपका एक्टिव ना हुआ अभी तक? नहीं, मैंने 2 बार अंदर जाके बात की, वो कहते कि एक्टिव है आपका, मेरे से पैसे लिए गए हैं, उन्होंने कंप्यूटर वायकादा चढ़ाया है, उसके बाद उन्होंने मुझे रसीद दी है। अगर नहीं चढ़ता तो ये रसीद नहीं होती मेरे पास, मेरे पास रसीद है, ये तो जबरदस्ती का गुंडा टैक्स बना दिया है यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपके भी पैसे कटे हों तो कमेंट बॉक्स में लिखे या हमारे मोबाइल नंबर 9953931171 पर फ़ोन करके बताएं। अगर आप चुप रहेंगे तो इसी तरह से हो सकता है मनमानी जारी रहे, आपके भी पैसे कटते रहें, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हो सकता है उनके सिस्टम में कोई दिक्कत हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, उसको वो सही करें और बाद में पैसे कटने बंद हो जाएं। तो कोई मांग है आपकी सर? मेरी मांग यही है, हमने माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी को अपना पूरा सपोर्ट किया था और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ गलत काम हो रहा है उस पर मंत्री जी कृपया ध्यान दें, हमें परेशानी ना हो, शासन प्रशासन मंत्री जी को सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए। आपकी पब्लिक है, आपके लोग हैं, आपको वोट दिया, आपको जिताया है, इतने भारी मतों से जिताया है, तो इनको समस्या नहीं आनी चाहिए। गदपुरी टोल प्लाजा में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करें, अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी सुधारें, वरना पब्लिक आप पर ही गुस्सा निकालेगी अगले चुनाव में। तो भाई साहब यही आपकी कार है, अब आप रोज़ाना आते जाते हैं, रोज़ाना पैसे कट रहे हैं। एक ये है कि टोल प्लाजा वालों ने अपने कानून तो लिखे हुए हैं बड़े बड़े बोर्ड लगा के, क्या आम आदमी का कोई अधिकार नहीं है कि टोल पे अगर वो 20 मिनट खड़ा है तो वो क्या फ्री जाएगा या नहीं जाएगा या क्या जाएगा? टोल वालों ने एक भी आम इंसान का कोई कानून वहाँ पे नहीं लिखा है। कृपया करके उस कानून को लिखें कि जो लोगों को पता लगे कि लोगों का आम अधिकार क्या है वहाँ पे। चलो, पास कितने पैसे बनवाए? 200 रुपये में। तो टोल प्लाजा वाले देख लें, गाड़ी का नंबर अगर आप सिस्टम में डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पास वगैरह इनका बना हुआ है और कितने पैसे कटे हुए हैं, उसको आप रिफंड भी कर सकते हैं इनके अकाउंट में। नंबर फिर से दिखा दीजिए, DL8CAE9051 ये कार है और इस नंबर प्लेट का पास बना हुआ है। आप इनके पैसे ना काटें, आप किसी के भी पैसे ना काटें जिनका पास बना हुआ है, क्योंकि जब पास बनवा लिया तो पैसे क्यों काट रहे हैं आप लोग? सिस्टम में कोई दिक्कत है उसको ठीक कीजिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।